भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला तो पूरा हो चुका है और भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की और इसके साथ ही ये जो दो टेस्ट मैचों की सीरीज है इसमें 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है। अब एक तरफ से आप देखेंगे बांग्लादेश पूरे तरीके से यहां पर आउट ऑफ द गेम नजर आया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि बांग्लादेश इस टेस्ट मुकाबले को जीत सकता है, लेकिन फिर भी हम ये बात कह रहे हैं यहां पर कि कानपुर में होगा टीम इंडिया का असली टेस्ट। जी हां, कानपुर में टीम इंडिया का असली टेस्ट क्यों होगा, जबकि टीम इंडिया शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, लगभग सभी खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कानपुर का ये जो मैदान है ग्रीन पार्क, यहां पर भारतीय टीम का जो रिकॉर्ड है ये अच्छा नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 30.43% का विन परसेंटेज है इस मैदान पर भारत का, और भारत यहां पर इतिहास में अगर आप नजर डालेंगे तो ड्रॉ मुकाबले ज्यादा खेले हैं और मुकाबले जीते जो हैं वो बहुत ही कम मुकाबले भारतीय टीम ने इस मैदान पर जीते हैं, वो आंकड़े भी आपको बताएंगे और क्यों कानपुर का ये मैदान भारतीय टीम के लिए चैलेंज है और रोहित शर्मा के लिए भी इस विन परसेंटेज को बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ये जो 30.43% का विन परसेंटेज है कानपुर में, इसको भी सुधारना है। इसके अलावा WTC फाइनल में जो टीम इंडिया फाइनल खेलने का सपना देख रही है उस सपने को और ज्यादा पुख्ता करना, हकीकत में बदलना, उसके लिए भी ये टेस्ट मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कानपुर के रिकॉर्ड्स और कानपुर में भारत का कैसा इतिहास रहा है वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि आखिरी बार जब भारतीय टीम ने कानपुर में टेस्ट मैच खेला था वो तारीख थी 25 नवंबर 2021, न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मुकाबला खेला गया था और वो मुकाबला भी ड्रॉ रहा था, यानी कि उस मुकाबले का भी कोई नतीजा नहीं निकल आया था। ग्रीन पार्क ये स्टेडियम है और थोड़े से हैरान करने वाले यहाँ पर भारत के आंकड़े जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। अगर इस ग्राउंड के इतिहास की बात करें तो जनवरी 1952 में पहली बार यहाँ पर टेस्ट मैच खेला गया था और उसके बाद से यहाँ पर 23 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से टीम इंडिया 7 मैच जीतने में कामयाब रही है। जी हाँ, 23 में से 7 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं, 3 मुकाबलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है और 13 मुकाबले इस मैदान पर ड्रॉ रहे हैं, जिससे अगर जीत का आप परसेंटेज देखेंगे टीम इंडिया का तो 30.43% निकल कर आएगा और ड्रॉ मुकाबले जो है वो यहां पर ज्यादा भारतीय टीम ने खेले हैं। तो इसको बदलना होगा और WTC फाइनल में पहुंचने के लिए, बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के लिए ये जो कानपुर का जो ये एक आप कह सकते हैं कि फॉर्मेट एक चला आ रहा है एक तरीके से, उसको भी तोड़ना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी होगा। और आखिरी टेस्ट मुकाबला जो टीम इंडिया ने कानपुर में जीता था वो 8 साल पहले जीता था, सितंबर 2016 में आखिरी बार भारत ने न्यूजीलैंड को यहाँ पर 197 रनों से हराया था और 41 साल से कोई टेस्ट मैच यहाँ पर भारतीय टीम हारी नहीं है। ये भी एक अच्छी चीज है कानपुर के लिए, एक अच्छा फैक्टर जरूर है, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने सिर्फ 7 ही मैचेस जीते हैं और 41 साल पहले जो टेस्ट मैच में हार मिली थी वो अक्टूबर 1983 में वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को हराया था पारी और 83 रनों से, उस मुकाबले को वेस्ट इंडीज ने अपने नाम किया था। लेकिन इसको तोड़ना जरूरी है और रोहित शर्मा के सामने कानपुर एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि यहां पर ड्रॉ नहीं बल्कि जीत के साथ ही आप WTC फाइनल में वो जो अपनी जगह है उसको ज्यादा पुख्ता कर पाएंगे और टीम इंडिया के सभी फैंस भी यही चाहेंगे कि बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया जाए और WTC फाइनल में पहुंचने के करीब जो है हम वहां पर जा सकें।